a very good morning class so today i am here with the new lesson lesson number 21 six blind men so now let's look at the warm up and after that i will re explain you the chapter we all are different we all we look at things in different manner each of us has a different viewpoint your friend may not like what you like to eat or wear when two or more people don't agree

पहनने का तरीका पसंद ना पसंद सब अलग अलग हैं लेकिन अगर हम लोग देखें अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हो और वो लोग एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादातर या तो उनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं मतभेद हो जाता है या फिर आर्ग्यूमेंट होता है या फिर बहस होती है और इससे बचने का तरीका ज़्यादा अच्छा ये है कि हम दोनों मतलब वो लोग आपस में एक दूसरे को टॉलरेट करें दूसरे की ओपिनियन को टॉलरेट करना सीखें सामने वाले की बात को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें ये नहीं करें कि आपने उसकी बात सुन ली तो उसकी बात काट के उसको रिप्लाई ही ज़रूर देना है उसकी बात सुन के हाँ हाँ तो कर ही सकते हैं वी शुड रेस्पेक्ट्स अदर्स व्यू पॉइंट हम हमें दूसरे के व्यू पॉइंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनकी बात को पेशेंटली सुनना चाहिए कि वो लोग क्या कह रहे हैं दिस वुड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैम और ये सब बातें हमें अगर हम लोग अपनी लाइफ में यूज़ करें तो ये सब हमें हेल्प करेंगी सामने वाले को अंडरस्टैंड करने में नाउ आई एम स्टार्टिंग द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड सिक्स ब्लाइंड मैन एक बार की बात है छः अंधे आदमी थे ब्लाइंड यानी कि अंधे ईच ऑफ देम वॉज़ वेरी वाइज छओ के छः बहुत जो थे समझदार थे बहुत बुद्धिमान थे वन डे दीज ब्लाइंड मैन हर्ड दैट देयर वॉज अ फेयर इन द विलेज दे डिसाइडेड टू गो टू द फेयर तो वो लोग क्या डिसाइड करते हैं उनको ये पता चलता है कि फेयर हमारे जो गांव में मेला लगा है फेयर मींस मेला तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस मेले में जाएंगे दे वर रोमिंग इन द वे फेयर वेन अ मैन शाउटेड लुक यू आर स्टैंडिंग टू क्लोज टू द एलिफेंट वो लोग मेले में घूम रहे थे इधर उधर अचानक से आदमी चिल्लाता है बोलता है देखो तुम लोग इतने क्लोज खड़े हो एलिफेंट के तुम लोग एलिफेंट के बहुत क्लोज खड़े हो ऑल द फ्रेंड्स वर क्यूरियस टू नो वॉट एन एलीफेंट लुक लाइक अब जो सारे जो दोस्त हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं इच्छुक होते हैं कि वो देखना चाहते थे कि जो एलिफेंट है वो किस तरह का दिखता है वन ऑफ द मैन सेट लेट्स फील द एलीफेंट तो उनमें से एक मैन है वो ये कहता है कि चलो एलिफेंट को फील करते हैं द फस्ट ब्लाइंड मैन वॉकड ओवर टिल ही बम्प्ड इन टू द साइड ऑफ द एलिफेंट अब जो फर्स्ट मैन है वो ब्लाइंड uh, मैन जो है वो वॉक करता है कि वो एलिफेंट की साइड पर पहुंच जाता है ही पुट अप हिज आर्म टू आइदर साइड बट ऑल ही कुड फील वॉज अ बिग बॉडी ऑफ द एलिफेंट अब जो है जो वो आदमी है वो एलिफेंट के पास पहुंच जाता है और बस वो उसकी जो उसकी आर्म है जो उसका हाथ है उसको वहाँ रखता है और वो फील करता है कि एक एलिफेंट की बड़ी सी बॉडी है द फर्स्ट मैन फर्स्ट ब्लाइंड मैन शाउटेड आई थिंक आई मस्ट अ वॉल तो उसे लगता है कि शायद अब वो उसे भैया वो अंधे होते हैं तो उन्हें वो एलिफेंट की उसके पास होता है क्या नाम है पेट के पास होता है तो उसे लगता है कि कोई बड़ी सी दीवार है तो वो बोलता है कि मैं शायद किसी दीवार के पास आ गया हूँ जबकि वो एलिफेंट की पेट के पास होता है यानी कि जो पेट वाला पोषण है देखो आपने इसमें इमेज में भी दिखा रखा है कि इसमें जो उसका हाथ है वो उसके पेट के आसपास है जैसे एक तरीके से कोई वॉल टाइप हो तो उसे लगता है कि कोई वॉल है अब आगे पढ़ते हैं इस वीडियो में द सेकेंड मैन वॉज नॉट गेटिंग वेरी क्यूरियस सो ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द एलिफेंट अब जो सेकेंड मैन है वो इतना क्यूरियस नहीं हो रहा था तो वो एलिफेंट की तरफ बढ़ता है आगे ही वॉकड ओवर द फ्रंट ऑफ द एलिफेंट एंड हेल्ड द एलिमेंट्स ट्रंक अब वो फ्रंट की तरफ बिग स्नेक वी शुड स्टेप बैक एज इट मे बी पॉइजनस अब जो है जो सेकेंड मैन है वो क्या करता है वो फ्रंट से जाता है जब सामने से जाता है एलिफेंट के तो वो उसकी ट्रंक को यानी कि सूंड को पकड़ लेता है देखो आपने इमेज में देखो तो वो सोचता है कि वो बहुत स्लिपरी है तो वो सोचता है कि ये तो कोई एलिफेंट वेलीफेंट नहीं है ये तो कोई बहुत बड़ा स्नेक है हटो इससे दूर हटो ये कोई वॉल वगैरह नहीं है और हमें इससे दूर रहना चाहिए क्या पता है? ये बहुत जहरीला हो अब आगे देखते हैं द थर्ड मैन क्विकली डिसाइडेड टू फाइंड आउट वॉट वॉज गोइंग ऑन एंड टू टेल हिज फ्रेंड वॉट दे हैड वॉकड इन टू अब जो थर्ड मैन है वो क्विकली डिसाइड करता है कि देखते हैं क्या हो रहा है कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है और वो जाता है और वो एलिफेंट के, के पास जाता है ही वॉकड ओवर द बैक ऑफ द एलिफेंट अब वो एलिफेंट की बैक के पास जाता है बैक की तरफ से जाता है तो वो उसके हाथ में जो है टेली एलिफेंट की टेल आती है टचिंग द एलिफेंट टेल ही सेट दिस इज़ नो वॉल एंड दिस इज़ नो स्नैक यू बोथ आर रॉन्ग वंस अगेन आई नो फॉर श्योर दैट दिस इज़ अ रोप अब वो जब वो पीछे की तरफ से जाएगा तो ऑफकोर्स सी बात है उसके हाथ में एलिफेंट की टेल ही आनी है अब जब वो टेल को देखता है पकड़ के बोलता है कि तुम दोनों ही गलत हो ना तो यहाँ कोई वॉल है ना ही कोई स्नेक है मैं फिर से सही हूँ और मुझे पता है मैं फॉर श्योर पक्का हूं कि ये कोई रस्सी है ये कोई रोप है द फोर्थ मैन सेड आई यू आर फाइटिंग ऑल यू नीड इज टू डू गेट ऑफ द बॉटम ऑफ दिस थिंग तुम लोग एक काम करो तुम लोग लड़ क्यों रहे हो तुम एक काम करो उसकी बॉटम में जाओ और पता लगाओ कि ये क्या चीज है सो ही सेट डाउन एंड फेल्ड अराउंड द एलीफेंट लेग अब वो नीचे बैठ जाता है और वो एलिफेंट की लेग्स पे पहुंचता है द फोर्थ मैन सेड माई डियर फ्रेंड दिस इज़ नो वॉल एंड दिस इज नो सेक दिस इज़ नो रोप इधर वॉट वी हैव हेयर जेंटलमैन आर फोर पिलर्स दैट्स इज केज क्लोज अब जो फोर्थ मैन है वो कहता है मेरे दोस्तों ना तो ये कोई वॉल है ना कोई स्नैक है ना कोई रस्सी है मेरे प्यारे दोस्तों जेंटलमैन ये एक चार पिलर्स हैं जब वो स्नेक्स की लेग्स को ओ, एलिफेंट की लेग को टच कर रहा था तो उसे ये लगा कि कोई बड़े बड़े चार पिलर हैं दैट्स इट अब केस खत्म हो गया ये, ये बात यहीं पे खत्म हो गई है नाउ कॉम टू द नेक्स्ट पेज द फिफ्थ माइंड डिड नॉट एग्री आई विल फाइंड आउट ऑन माई ओन ही सेड अब जो फिफ्थ मैन है वो भी एग्री नहीं करता वो कहता है कि मैं भी अपने आप पता लगाऊंगा कि क्या है ही वॉकड अप टू द फ्रंट ऑफ द एलिफेंट एंड फेल्स द एनिमल्स टू लॉन्ग कर्व ट वो वो भी फ्रंट की तरफ से जाता है लेकिन उसको हाथी के दांत हाथ में आते हैं वो क्या फील कर पाता है हाथी के दांतों को द फिफ्थ मैन सेट इट सीम्स टू बी दैट ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ टू स्पीयर्स जो जो फिफ्थ मैन है वो बोलता है कि ये कोई दो भालों से बना हुआ है जो स्पीयर्स होते हैं उनको हम एक तरीके से कह सकते हैं भाले जो वॉर में यूज़ होते हैं ना जो सोल्जर्स यूज करते थे पहले किंग जब किंग के टाइम पे भाले हुआ करते थे आप लोगों ने मूवीज़ में भी देखा होगा तो ये शायद कोई दो भाले जैसे ऑब्जेक्ट हैं द सिक्स मैन मूव स्ट्रेट एंड फेल्ट एलिफेंट्स ईयर द सिक्स मैन सेड यू ऑल आर रॉन्ग एंड एलिफेंट इज़ लाइक अ फैन जो सिक्स मैन है वो स्ट्रेट जाता है और एलिफेंट के कानों को टच करता है वो कहता है सिक्स मैन तुम सारे गलत हो एंड एलिफेंट इज़ लाइक अ फैन ये तो कोई पंखा है ना ऑल ऑफ देम वर रियली कन्फ्यूज दे ऑल फेल्ट दैट दे वर राइट अब सारे जो है अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं और सारे सोचते हैं बहुत कन्फ्यूज जाते हैं और सब ये सोचते हैं कि वो सही हैं खुद ही फर्स्ट अपने बारे में सोचता है कि वो सही है सेकंड वो सोचता है कि मैं मैं जो बता रहा हूँ वो सही है सब ये सोचते हैं कि जो हम बता रहे हैं वही सही है जस्ट देन एन ओल्ड मैन वॉक बाय वॉट द मैटर माई फ्रेंड्स तो अचानक एक एकदम से ही एक बूढ़ा आदमी आता है वो बोलता है क्या परेशानी है क्या बात है मेरे दोस्तों ऑल द सिक्स ब्लाइंड मैन टोल्ड हिम वॉट हैड हैपन द ओल्ड मैन सेड वेल ईच ऑफ वन ईच वन ऑफ यू इज राइट फ्रॉम वंस पॉइंट ऑफ व्यू तो जो सारे ब्लाइंड मैन हैं वो ओल्ड मैन को सारी बात बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ और वो क्या क्या कह रहे हैं तो जो ओल्ड मैन है वो ये कहता है कि तुम सब लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो दिस एलिफेंट सीम्स लाइक समथिंग डिफरेंट टू ईच वन ऑफ यू एज यू ऑल आर टचिंग ओनली वन पार्ट ऑफ दिस बिग एनिमल तो वो ये कह रहा है जो ओल्ड मैन है वो ये कह रहा है कि तुम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो क्योंकि ये अगर आप ये एलिमेंट ही इतना बड़ा है आप इसके एक ही पार्ट को टच कर पा रहे हो और उस पार्ट को टच करके जो आपको फील होता है वो आपने बता दिया तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही है इन द सेम वे वी थिंक आवर ओपिनियन टू बी राइट एंड वी फाइट विद अदर्स हु हैव डिफरेंट ओपिनियन उसी तरीके से कि हम लोग भी उसी तरीके से दूसरों से लड़ते हैं कि चीज़ वही है पता सबको है कि क्या होना है अपने अपने ओपिनियन की वजह से हम लोग सामने वाले से लड़ते हैं क्योंकि हमारे ओपिनियंस डिफ़रेंट हो जाते हैं बट दिस इज़ नॉट राइट लेकिन ये सही नहीं है वी शुड लर्न टू अप्रीशिएट अदर्स ओपिनियंस हमें सामने वाले की ओपिनियंस को अप्रीशिएट करना चाहिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिकॉज दे माइट बी सींग अ सिचुएशन फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल क्या पता वो उस ओपिनियन को किसी उस सिचुएशन को किसी डिफरेंट तरीके से देख रहे हों उनका जो परस्पेक्टिव है उनका जो नज़रिया है उस चीज़ को देखने का वो किसी अलग तरीके से हो सो so इसलिए हमें किसी से भी आ, अपने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से नहीं लड़ना चाहिए ओके okay? मुझे तो ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी आई होप क्लास फाइव कि आपको भी ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा एंड दिस इज़ योर चैप्टर एंड आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी सो योर चैप्टर इज़ ओवर नाउ एंड आई विल सेंड यू द वर्ड मीनिंग्स एंड एक्सरसाइज वर्क To do in your book and copy. Okay. Bye bye, class. Thank you.